आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल किया है। आईएमए ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए हड़ताल का ऐलान किया था। देशव्यापी हड़ताल के दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाएं, हालांकि आईसीयू और सीसीयू जैसी इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। पहले से तय ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। आईएमए ने संकेत दिया कि आने वाले हफ्तों में आंदोलन तेज हो सकता है। आईएमए की बुलाई हड़ताल के दौरान निजी अस्पतालों में ओपीडी तो बंद है, लेकिन सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे। तो नाराजगी डॉक्टरों में केंद्र सरकार के फैसले को लेकर, और इस वजह से हड़ताल पर चले गए हैं डॉक्टर। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवघर का सीधे रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि हड़ताल का क्या असर देखने को मिल रहा है। जी मनीष, देखिए दीपक, हम आपको बता दें इस वक्त हम लोग सदर अस्पताल में खड़े हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि आमतौर पर आज के दिन काफ़ी भीड़ यहाँ होती है, लेकिन आज यहाँ पर जो ओपीडी है, जो अलग अलग विभाग होते हैं, हड्डी और बच्चों का या फिर आँख का, ये तो ये इनके बाहर में यहाँ मनोज चाहेंगे दिखाएंगे। ये देखिए, ये हड्डी मेडिसिन ये सब के दरवाजे बंद है, ताला नहीं लगा लेकिन दरवाजे बंद है। उसके अलावा यहाँ लंबी लाइन लग रहती है सुबह में, लेकिन आज ये लाइन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पर्ची कट रहा है, चूँकि इमरजेंसी की बात है, यहाँ अलग जगह दूसरे जगह पर्ची काटा जा रहा है। हम सीधे एक बार बात यहीं करते हैं, जानकारी लेते हैं कि किन चीज़ों का आज इलाज हो पा रहा है। आज किसका किसका पर्ची कट रहा है? आज इमरजेंसी पर्ची कट रहा है, ज्यादा जो दिक्कत है सीरियस, बाकी सब जनरल बंद है। आज हड़ताल डॉक्टरों लोग का है सबका, इसलिए आज बोले हैं कि जो इमरजेंसी केस आता है उनका पुर्जा दीजिए, और बाकी जो है कल आएंगे, कल दिखाने आएंगे। बिल्कुल, हम चलेंगे एक बार इमरजेंसी में, मनोज दिखाएंगे, क्योंकि जो इमरजेंसी की बात है सिर्फ वही, यानी कि अगर आमतौर पर आँख या हड्डी या कोई और इलाज के लिए आते हैं। एक मरीज भी आए थे जो बताएं कि बच्ची को दिखाने के लिए, लेकिन वो लौटना पड़ा। तो ये यहाँ का नज़ारा है, देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ, अभी झांसा से जो जुड़े डॉक्टर हैं वो भी यहाँ हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेंगे, सीधे दीपक बात कर लेंगे। सर, आज क्या क्या सेवा दे पा रहे हैं आप लोग? सारी इमरजेंसी सेवा हम लोग के यहाँ बहाल है, वो हम लोग कर रहे हैं। खाली जनरल ओपीडी जो है, जो कॉमन पेशेंट आते हैं, उन लोग को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। झांसा से आप भी लोग समर्थन किए हैं? बिल्कुल, हम लोग भी झांसा के हैं, मैं भी झांसा का यहाँ का सचिव हूँ, तो इसका समर्थन तो जारी है। निजी अस्पतालों में क्या होगा? निजी अस्पतालों में भी मेरे ख्याल से काम नहीं हो रहा है। आज ओपीडी सेवा बिल्कुल बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवा सब जगह जारी है। इसमें जो मिक्सोपैथी की बात हो रही है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले हैं वो सर्जरी भी किया करेंगे, ऐसा सरकार की मंशा है, जिसके चलते कि क्या होगा कि दूर दराज के ग्रामीण जो हमारे बिल्कुल मासूम हुआ करते हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है, वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होगा और लोग परेशान होंगे, बाद में फिर इसका विरोध हम लोग कर। लेकिन बात है छोटे मोटे सर्जरी की, बात ये वो तर्क दे रहे हैं आयुर्वेदिक आयुष कहने की, हम लोग को छोटे मोटे सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक? नहीं, उन लोगों को तो जब कहा जा रहा है कि एमएस की डिग्री मिलेगी, एमएस के तरीके से उन लोग काम करेंगे, तो सारा चीज करना करने का के लिए तैयार होंगे, तब तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा। छोटी मोटी सर्जरी की बात कभी गवर्नमेंट डिमार्केट नहीं कर पाएगी, ऐसा हम लोग। इससे पहले आप लोगों ने सांकेतिक दो घंटे का धरना दिया था, आज एक तरह से आप सेवा बंद किए, तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे जो आगे से दिशा निर्देश मिलेगा आईएमए का, आईएमए इंडिया का, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। दीपक, ये नजारा है यहाँ का। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपके पास थोड़ी समस्या क्या हो रही है मरीजों को, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। हम फिलहाल राजधानी का रुख करते हैं, यहाँ क्या स्थिति है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत, सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत का। सत्यव्रत, हड़ताल है डॉक्टरों की, किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है और क्या कहना है डॉक्टरों का? हम देख पा रहे हैं आपके साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो उनकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पर। जी सत्यव्रत। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि हमारे साथ आईएमए और रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो कि लगातार घूम घूम कर रिम्स के ओपीडी विभाग को बंद करा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आईएमए के सदस्य हैं आप, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का समर्थन भी मिला है, घूम घूम कर रिम्स के ओपीडी सेवा को बंद करा रहे हैं, जबकि सीनियर डॉक्टर बैठे हुए थे।
देखिए सीनियर डॉक्टर्स की अपनी मजबूरी है, ऊपर से प्रशासन का जो आदेश आता है को उनको देखना होता है, और उनका समर्थन हमें प्राप्त है और वो हमें समर्थन दे भी रहे हैं। अब इसको दूसरे ढंग से नहीं लेना चाहिए, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उसको नज़र में रखते हुए आज का बंद, आज का उनका समर्थन हमें काफ़ी मिल रहा है और आज का बंद काफ़ी सफल है। डॉक्टर साहब, मरीजों को समस्या हो रही है ना, दूर दराज क्षेत्रों से लोग रिम्स आते हैं, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। देखिए इसके लिए हमें बहुत दुख भी है, अफसोस भी है। अभी 3 दिन पहले IMA ने एक कॉल पहले भी दिया था जिससे सरकार जाग जाए, लेकिन सरकार 3 दिन पहले हमारे आंदोलन से नहीं जागी, इसलिए मजबूरन हमें स्ट्राइक करना पड़ा, जिसकी पूर्व सूचना हमने सारे मीडिया में डाला था और मीडिया में आया भी है, सारे अखबारों में, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। चाहेंगे आप इनसे पूछें कि आखिर इन्हें किस बात की परेशानी है, ये क्यों नहीं चाहते हैं कि सरकार दूसरों को भी अनुमति दे, जो दूसरे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं दूसरे पद्धति से, उन्हें ऑपरेशन की अनुमति क्यों ना मिले, ऐसा ये क्यों चाहते हैं? डॉक्टर्स के लिए सिर्फ नहीं है ये, हमारी आम जनता, हमारे पब्लिक के लिए। बिल्कुल दीपक, हम ये सवाल जो है वो डॉक्टर शंभुनाथ जी से लेना चाहते हैं। सर, दिक्कत क्या है मिक्सोपैथी में? अच्छा तो है, डॉक्टर की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए ऐसा है कि मिक्सोपैथी में दिक्कत यही है कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सकों का बिना आंतरिक पढ़ाई का, शरीर की आंतरिक संरचना का पढ़ाई किए हुए उन्हें सर्जन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें दिक्कत यही है कि वो सर्जरी करने नहीं सकेंगे, और सर्जरी करने नहीं सकेंगे तो वैसे में जो मरीज उनके हाथ में लगेंगे उनके जान के साथ खेलवाड़ करना होगा। डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा कि एक टेम्पो मैन को पायलट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो हो रही है आम जनता के जान के साथ खेलवाड़ करने के बराबर है, इसको हम लोग प्रतिरोध करते हैं और अंतिम हद तक हम लोग प्रतिरोध करते रहेंगे। लगातार आप लोग बंद जो है वो करवा रहे हैं, क्या स्थिति अगर पूरे राज्य की बात करें आप? पूरे राज्य में आज हमें सब जगह से सूचना मिली है कि सभी जगह अब्सोल्यूट बंद है, कहीं भी प्राइवेट भी सरकारी भी, सारे अस्पताल के OPD कम्प्लीटली बंद हैं, और पूरे हिंदुस्तान से भी बीच बीच में खबर आ रही है कि सभी जगह OPD बंद है। और हम लोग शाम में या 6 बजे के बाद फिर से इस पर गौर करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। बिल्कुल, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, कार्य बहिष्कार किया गया है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है। आप लोग भी चूंकि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, दिक्कत क्या है मैक्सोपैथी से ज्यादा डॉक्टर अगर मिलेंगे लोगों को, डॉक्टरों की ऐसी संख्या कम है तो मरीजों को फायदा मिलेगा ना? देखिये बात है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मिलेंगे ये एक अलग बात है, बात है कि आप डॉक्टर ऐसे बना रहे हैं कि बिना सिखाए बना रहे हैं। जैसे कि हम जो पढ़ाई करते हैं MBBS में, आपको फर्स्ट ईयर में डेड बॉडी दिया जाता है, उस डेड बॉडी को काट के उसका हर एक पार्ट को हम लोग देख के सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, मरीजों से इंटरेक्शन होता है, देखते हैं, फिर इंटर्नशिप में थोड़ा काम करते हैं, फिर सर्जरी में PG की पढ़ाई होती है, फिर PG के बाद PG में अच्छे से सर्जरी करना, मतलब सारी सर्जरी होती है, उसके बाद फिर सीनियर रेजिडेंसी होती है, तब एक सर्जन बनता है। एक सर्जन को अच्छा सर्जन बनने में 11 साल का टाइम लगता है, और उस 11 साल में वो अपना पूरा वक्त मरीजों को ही देते हैं, डेड बॉडी से लेकर लाइव बॉडी तक। और आप जो ये प्लान जो ला रहे हैं इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं इस टाइप से कि किसी को सिखाया जाए, और बिना सिखाए अगर आप डॉक्टर का संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्षति सिर्फ और सिर्फ मरीजों के, आम जनता के, कि वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन से डॉक्टर आयुर्वेदिक से किए हैं, कौन से MBBS किए हैं, वो जाएंगे गलत डॉक्टर के हाथों में और फिर नुकसान उन्हीं का होगा, जान भी उन्हीं की जाएगी। सत्यव्रत, ये कैसे मान रहे हैं कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा? अगर सरकार कुछ नया कर रही है तो इस बाबत भी तो विचार कर रही होगी। जो ये कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है कि अगर आप पढ़कर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करके किसी के ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं, तो ऑपरेशन टेबल पे आप किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन ये क्यों मान रहे हैं कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, उन्हें सिखाया नहीं जाएगा आयुर्वेदिक पद्धति में और अन्य पद्धतियों में? पुरातन काल से सर्जरी की प्रक्रिया चली आ रही है तो पढ़ाया तो जाना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर डॉक्टरों का समर्थन क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा आपने बताया, डॉक्टर नितेश ने भी बताया कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाई की तो व्यवस्था की गई है कि वैसे जो डॉक्टर आएंगे उन्हें भी पढ़ाई सिखाया जाएगा, सर्जरी सिखाया जाएगा, फिर क्या दिक्कत होगा? देखिए अगर सरकार को इतनी ही चिंता है डॉक्टर की कमी की, तो अभी झारखंड में 300 MBBS की सीट जो पिछले साल ही आई थी उसको हटा दिया गया। बस ये छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ,
कि हमारी केंद्र सरकार कितनी सीरियस है हेल्थ सेक्टर को लेके। 1000 करोड़ का संसद भवन बनाने की उनको चिंता है, लेकिन 1000 करोड़ में 10 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की चिंता हमारे केंद्र सरकार को नहीं है। इसलिए हमारा ये विरोध है। अगर उनको इतनी ही चिंता है कि डॉक्टर बनने चाहिए, तो क्यों नहीं हम MBBS MS की सीटें बढ़ा दें, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया मेडिकल कॉलेज खोल दें। इससे क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारा जोर क्वालिटी ट्रीटमेंट पे है। हम बार बार कह रहे हैं, सत्यव्रत, क्या ये कह रहे हैं कि हमारी जो भारतीय पद्धति है इलाज की, वो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं है? ये उसे दरकिनार कर रहे हैं और ये सिर्फ एलोपैथी को मान रहे हैं। कहीं इन्हें डर तो इस बात का नहीं कि इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, इनके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाएंगे, इनका मुनाफा घट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, उनकी अपनी पद्धति है। हमारा कहना है कि उसको एलोपैथी के साथ मिक्स ना करें, उन्हें डाउनग्रेड ना करें, उनका भी एक स्टैंडर्ड है, उसे मेंटेन रहने दें। आप हमारे पद्धति को, एलोपैथी को और बाकी अन्य पद्धति जो है हमारी चिकित्सा पद्धति, उसके साथ दोनों को मर्ज ना करें। इसीलिए इसको कहा गया मिक्सोपैथी। मिक्स मत कीजिए, दोनों को अलग अलग चलने दीजिए, उनका जो काम है। चलिए, तो सबके अपने अपने काम करें, बातें हैं, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया है। क्या डॉक्टरों के दबाव में सरकार फैसले पर पुनर्विचार करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सत्यव्रत, इन तमाम बातचीत और ताजा तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी देवघर से मनीष भी जुड़े हुए थे। मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।